हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पीबीआर पैरोट। तो आज आप देख सकते हैं हम थोड़ा सा निकल गए हैं बाहर और आज हम आए हैं मुर्शिदाबाद के हजारद्वारी टाउन में। तो जैसा कि देख सकते हैं, यह है हजारद्वारी का बड़ा सा गेट। ये एक नवाबों का शहर है। तो ये है हजारद्वारी का पीछे का भाग। आज हमारा डेस्टिनेशन हजारद्वारी नहीं है, तो हम लोग हजारद्वारी से निकल के थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो कि है काठगोला बागान। वहाँ पे एक छोटा सा जू है जिसे हम आज विजिट करेंगे। तो ये है हजारद्वारी का मेन गेट, जो कि शहर के बीचों बीच है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं हजारद्वारी। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं घोसट बेगम के समाधि स्थल को। ये भी एक विजिटिंग प्लेस है। तो अभी हम निकल गए हैं उससे आगे और आप देख सकते हैं काफी पेड़ है साइट पे। ये जो है वो है सेठ जगत सेठ की पैलेस। सामने से दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये है जगत सेठ का पैलेस। हजारद्वारी से 4 किलोमीटर दूर है काठगोला बागान। तो आज हम जाएंगे काठगोला बागान में, जहाँ वहाँ पे एक है चिड़ियाखाना। आज हम उसे ही देखने आए हैं। तो चलिए, हम लोग पहुँच गए हैं। ये है काठगोला बागान का मेन गेट। तो अभी हम अपने कार को रखते हैं साइड पे और हम निकलते हैं आगे। आप देख सकते हैं ये है एंटर किया हुआ गेट। दोनों साइड पे काफी घने पेड़ है। ये है यहाँ के कुछ दर्शनीय स्थान। सबसे नीचे है चिड़ियाखाना। अभी हम ले लेते हैं टिकट। यहाँ का टिकट है 30 रुपये पर हेड, 30 रुपया। तो हमने ले लिया है टिकट। अभी हम चलते हैं अंदर। ये कुछ साइट का सीन मैं आप लोगों के लिए दिखा देती हूँ। ये है चिड़ियाखाना। अभी हम करते हैं चिड़ियाखाना के अंदर एंटर। ये है यहाँ का पूरा व्यू। पहले मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद हम एक एक करके आपको सब दिखाएंगे। यहाँ पे काफी सारी मछलियां भी हैं, वो भी मैं दिखा दूंगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहले मैं शुरू करती हूँ काठगोला पैलेस से लेके। तो ये है काठगोला पैलेस, जिसे नाच महल भी कहा जाता था। अभी हम आ गए हैं चिड़ियाखाना। यहाँ पे काफी सारी रंग बिरंग की मछलियां हैं। और ये है जू के पीछे का हिस्सा। कुछ हरियाली है और काफी सारे पौधों को भी लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, आप इसे देख रहे हैं, जो है एक चाइना मुर्गी। और ये है लव बर्ड्स। ये अभी सोने के मूड में है क्योंकि अभी दोपहर है। तो अभी एक सो रहा है और देख सकते हैं यहाँ पे रखा हुआ है दो सफेद काकतुआ, जो कि अभी रेस्ट कर रहे हैं। इसे भी नींद आया है। एक सो रहा है और एक अपने मस्ती में है। ये है एक येलो पैरट, जो कि अभी यहाँ पे काफी सारे भीड़ है, इसलिए वो इधर उधर देख रहा है। अभी आ गया है दोस्तों गर्मियों मौसम, तो पंछियों के लिए भी काफी तकलीफ है। ये है एक तोता जो हमारी तरफ देख ही नहीं रहा है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे अट्रैक्शन, मेन अट्रैक्शन, जो कि है एक मकाओ। काफ़ी सुंदर है ना दोस्तों। वो अभी खा रहा है बादाम। और ये है एक लॉरिकेट जो अपने पंखों को खुजला रहा है।
यहाँ पे काफी छोटे छोटे बद्री भी रखे हुए हैं जो कि हांडी से निकल रहा है, और इसी हांडी के भीतर है एक लबर्ड जो निकल के आया। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।